इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कल जो T20 मैच दूसरा खेला गया, उसके पहले मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं पहले मैच की एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं काम से, और कल भी हालांकि मैं ट्रेवल कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने मैच देखा। और पहले मैच में तो जिस तरह से टॉस जीत के इंडिया ने पहले बॉलिंग की थी ड्यू के इफेक्ट को अपने फेवर में करने के लिए, तो कल ये बहुत अच्छा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत लिया। और कल के जो तिरुवनंतपुरम में जो मैच हो रहा था उस मैच में भी ड्यू का काफी प्रेडिक्शन था क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी, और हमेशा ऐसे में बाद में बैटिंग करने वाले को फायदा होता ही है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि प्रिपरेशन जो है वो हमेशा एडवर्स कंडीशंस में होनी चाहिए। वो पुरानी कहावत भी है ना कि प्लान फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो जब तक आप डिफिकल्ट कंडीशंस के लिए तैयारी नहीं करेंगे तो आपके लिए फिर मेन एग्जाम जब होता है तो उसमें आपके लिए परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। कल इंडिया ने टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग की और बहुत ही गजब की बैटिंग की। अब शुरुआत अगर हम करें कि जैसे यशस्वी जायसवाल तो काफी बहुत ही अच्छा उभर के सामने आ रहा है ये प्लेयर, और तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेल रहा है। हालांकि वनडे मैचेस में उसको ज्यादा मौका नहीं मिला है लेकिन टेस्ट मैच में उसने अच्छा किया, भले वो वेस्टइंडीज के अगेंस्ट था मैच, लेकिन T20 में तो IPL में भी उसने बहुत अच्छा किया है और अभी इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा कर रहा है वो। अब यशस्वी जायसवाल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वो एक इस तरह का बैट्समैन है कि देखिए वो आपको इसी तरह से खेल के देगा मैच जैसे वीरेंद्र सहवाग खेला करता था। तो मैं काफी कुछ उसको इक्वेट करता हूं वीरेंद्र सहवाग के साथ। ये उस तरह के बैट्समैन होते हैं जो 10 बॉल खेल, मतलब अगर आप उनको 10 मैच खेलाएंगे तो उसमें से 4 मैच आपको वो आउटराइट अपनी बैटिंग से जिता देंगे, और फिर बाकी जो 3 मैचेस हैं उसमें ये होगा कि वो हो सकता है 5 रन के अंदर भी आउट हो जाए, और जो बाकी 3 मैच हैं उसमें वो करेंगे जो यशस्वी जायसवाल ने पहले मैच में किया था कि 8 बॉल में 21 रन बना दिए, तो उस तरह से भी होगा। लेकिन ये 4 मैच आपको आउटराइट जिताएंगे जब ये चलेंगे। तो कल का मैच उसी तरह का था, उसने 25 बॉल में 53 रन बना दिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच में वो जिस तरह से रन आउट हो गया था बिना एक भी बॉल खेले, तो वो प्रेशर उसके ऊपर काफी ज्यादा था कि मतलब ऐसा ना हो कि मैं कल के मैच में भी अगर मैं रिस्क लूं बैटिंग करने के लिए, जाऊं तेज स्कोर करने के लिए, और ऐसा ना हो कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं। तो वो होता यह है कि फिर कोई ये नहीं देखता है कि आप टीम के इंटरेस्ट में खेले या ये खेले, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहां आपके नाम के आगे स्कोर लगा होना जरूरी है। हालांकि बाद में क्या देखिए, अभी इमीडिएटली तो अगर हम ये करें एनालिसिस तो कोई भी आदमी ये कह देगा देख के कि अरे ऋतुराज गायकवाड़ बहुत स्लो खेला, 43 बॉल्स में 58 रन बनाए और वो भी आखिरी में जाके उसने छक्के वक्के मारे। लेकिन होता क्या है कि आज से एक साल बाद ये कोई देखता नहीं है, किसी को याद भी नहीं रहता है, वो व्हाट गोज इन द रिकॉर्ड्स इज अ 50। लेकिन ये बात जो सिलेक्टर्स हैं वो थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ऋतुराज गायकवाड़ को देना चाहिए। अब देखिए, हर कोई आदमी वीरेंद्र सहवाग या यशस्वी जायसवाल नहीं हो सकता है, और ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि एक बार जब 25 रन बना लिए थे उसके बाद उसको स्कोरिंग रेट बढ़ानी चाहिए थी। मतलब ये 43 बॉल्स में 58 स्कोर नहीं चलेगा किसी भी लिहाज से, चाहे आप बाद में मैच देखो या पहले आप बैटिंग करते हुए उसको देख रहे हो। 25 रन बनने के बाद उसको चांसेस लेने चाहिए थे जो कि उसने नहीं लिए, और उसके पीछे बहुत बड़ा डर उसका वही रहा होगा। ऋतुराज गायकवाड़, हालांकि मैं उसको इक्वेट करूंगा राहुल द्रविड़ के साथ। राहुल द्रविड़ ने भी 2011 या 2012 में कौन सी एक IPL जो साउथ अफ्रीका में हुई थी, उसमें राहुल द्रविड़ ने एक मैच में काफी अच्छा स्कोर किया था। वो ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच ही था शायद, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि वहां बॉल स्विंग बहुत हो रहा था। तो ये टेक्निकली जो परफेक्ट लोग होते हैं इनको मतलब फट्टे विकेट अगर आप दे देंगे ना तो ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। राहुल द्रविड़ के साथ भी यही था कि राहुल द्रविड़ कोई ऐसे ऑल फॉल शॉट नहीं मारता था कि यहां से उधर मार दिया, रैंप मार दिया, आड़ा बल्ला मार दिया। तो टेक्निकली परफेक्ट जो बैट्समैन होते हैं वो चाके भी उल्टा सीधा शॉट नहीं मार पाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को भी आपने देखा होगा IPL में जब ये खेलता है, भले 50 बॉल में 90 रन बनाए, 60 बॉल में 80 रन बनाए, लेकिन आप देखेंगे कि फॉल शॉट नहीं मारता है ये हमेशा क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है, तो वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं।
लेकिन कभी कभी जरूरत होती है कि आपको वो करने की जरूरत हो। ऋतुराज गायकवाड़ को अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मैं अभी उसको एकदम से ऐसे डिस्कार्ड नहीं करूंगा कि वो मतलब बहुत ही खराब या बहुत ही स्लो बैटिंग की उसने। ठीक है, स्लो दिखता है कल के मैच के हिसाब से, लेकिन देखिए ये पारी जो उसकी कल की थी वो पहली बात तो ये कि वो जो पहले मैच का डर था, दूसरा ये कि अगर मान लीजिए पहला विकेट आपका जल्दी गिर जाता है तब आपको थोड़ा इतना स्लो होने की जरूरत है, क्योंकि अब बाद में जब देखिए यशस्वी जायसवाल 25 बॉल खेल के आउट हो गया, उसके बाद ईशान किशन जो आया, ईशान किशन ने भी वही बैटिंग की, मतलब 18 बॉल में उसके 20 रन थे, कुछ 24 बॉल में 26 रन थे। अब ये सोचना चाहिए बैट्समैन को कि अगर इस तरह से मान लीजिए आप 18 बॉल खेलने के बाद आपने 20 रन बनाए हैं और आप 19वीं बॉल आपको कोई अच्छी पड़ जाए और आप आउट हो जाए तो क्या होगा, टीम को तो आप बिल्कुल साइड में लगा के चले जाएंगे। तो ये ईशान किशन के लिए भी सोचना जरूरी है, कल जिस तरह से भी रन बनाए, बाद में भले उसने कुछ भी कर दिया हो कि 30 बॉल में 50 बना दिए, जो भी अल्टीमेटली फाइनली उसका जो स्कोर रहा, लेकिन ये बहुत अच्छी बैटिंग उसने नहीं की है और उसका कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड T20 के लिए अगर हम टीम सेलेक्ट करने के लिए यहां स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मैं तो इन मैचेस को स्क्रीनिंग मैचेस ही कहूंगा, क्योंकि देखिए मेन प्लेयर्स तो अब मेरे हिसाब से तो रोहित और विराट कोहली को वर्ल्ड T20 की टीम में होना ही चाहिए। हार्दिक पांड्या चाहे हो या ना हो वो बात की बात है, क्योंकि वो उसकी फिटनेस का हमेशा सवाल रहता है, लेकिन ये बड़े प्लेयर्स जो हैं, ये प्रूवन परफॉर्मर्स जो हैं, इनको होना चाहिए, लेकिन ईशान किशन इज नॉट हेल्पिंग हिज ओन कॉज बाय बैटिंग लाइक दिस, भले उसने बाद में स्कोर कुछ भी कर दिया हो। और फिर उसके बाद जब आप इस तरह से शुरू के 3 बैट्समैन ही 50 बना देते हैं तो बॉल्स तो ऑब्वियसली कंज्यूम होती हैं। फिर सूर्या के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं, सूर्या ने 10 बॉल में 19 रन बना दिए, अच्छी खासी बैटिंग की। फिर अल्टीमेटली जो रिंकू सिंह इज अ वेरी कूल एंड काम कस्टमर, रिंकू सिंह का जो डेमेनर है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मतलब उसके चेहरे से पता नहीं चलता है कि वो क्या क्या सोच रहा है या क्या टेंशन में है या कैसा है, मतलब ये काफी मतलब प्रोफेशनल उसके चेहरे पर लुक रहता है और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक और अच्छी चीज रिंकू सिंह की ये है कि वो क्रीज में कभी भी आपको हिलता डुलता नहीं दिखता है कि वो कभी आगे बढ़ गया या कभी लेग साइड की तरफ जा रहा है या ऑफ साइड की तरफ जा रहा है, वो अपने स्टांस पे खड़ा रहता है। तो बॉलर को फिर सोचना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, और शॉट्स तो सारे ही हैं रिंकू के पास, तो कल बहुत ही अच्छी बैटिंग की, मतलब इसी तरह का फिनिश होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि कल के मैच में रिंकू सिंह की जो पारी थी वही मैच का एक्चुअली टर्निंग पॉइंट था। अगर उसने वो 10 बॉलों में अगर 31 रन नहीं बनाए होते तो 9 बॉलों में, तो बहुत ही मुश्किल था मेरे ख्याल से, तो 44 रन से ही ऑस्ट्रेलिया जीती है। अगर रिंकू सिंह भी मान लीजिए 10 बॉलों में 14 रन या 15 रन बना के आउट हो जाता या नहीं बना पाता तो हमारा स्कोर कितना होता, 210-212, और 210-212 को ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल स्कोर कर लेती। एक्चुअली तो मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को कल का मैच स्कोर करना चाहिए था, उन लोगों ने अपनी बैटिंग ढंग से प्लान नहीं की। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि ये स्टीव स्मिथ को जो अभी ये ओपन करवा रहे हैं ये उसको बस आखिरी मौका देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वर्ल्ड T20 की टीम में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम डिक्लेयर होगी उसमें स्टीव स्मिथ का नंबर आना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी कोई प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से वो ट्रेविस हेड हो सकता है थका हुआ हो या वो ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो, इसलिए वो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि T20 की टीम में भी 15-17 में तो स्टीव स्मिथ रहता है, तो हो सकता है वो उसको ये ट्राई कर रहे हों कि इसको अगर हमें मान लीजिए मैच में खिलाना ही है तो क्या हम इसको ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर का अभी कोई भरोसा नहीं है कि वो खेलेगा नहीं खेलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ये भी पता नहीं चलता है। तो मिच मार्श और ट्रेविस हेड इनके अलावा अगर ये स्टीव स्मिथ को कंसीडर कर रहे हो तो फिर वो मिडल ऑर्डर में तो T20 में स्टीव स्मिथ की जगह बनती नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर उसका एक स्पॉट या एक स्लॉट कोई बनता है तो वो ओपनिंग में ही, तो इस वजह से वो कर रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया ने 235 रन बना दिए, बहुत अच्छा स्कोर बना दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई की। और शुरुआत में अगर आप लोगों ने देखा हो तो शुरू के 5 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया ने फिकवाए वो 5 डिफरेंट बॉलर से फिकवाए, और ये देखिए एक स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि कई बार इंडिया के बैट्समैन जो है वो नया बॉलर जब आता है ना तो उसकी 2-3 बॉलें देखते हैं कि क्या हो रहा है,
तो ये इन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भी किया था। एक एक स्पेल, एक टाइम स्लॉट आया था जब शायद 16वें से 22वें 23वें 25वें ओवर तक हर ओवर नए बॉलर ने डाला, भले वो पहले डाल चुका हो लेकिन हर ओवर चेंज करके इन्होंने डाला, किसी भी बॉलर को रिपीट नहीं किया। क्योंकि इंडियन बैट्समैन जो है उनकी थोड़ी सी आदत है, वो नए बॉलर को थोड़ा देखते हैं। अब T20 मैचेस में तो अगर आपने दो बॉल भी देखी अगर, तो वो आपकी टीम का नुकसान है, क्योंकि यहां तो आते साथ ही पीटना जरूरी है। लेकिन कल इंडिया के जो नए बैट्समैन थे, इन लोगों ने बिल्कुल भी किसी को बख्शा नहीं और पहले ओवर से और पहली बॉल से ही धुलाई करनी शुरू कर दी, तो वो ऑस्ट्रेलिया का दांव थोड़ा उल्टा पड़ गया। शॉन एबर्ट को पहले ही ओवर में 24 रन ठोक दिए, ग्लेन मैक्सवेल के दो ओवर में 32 रन ठोक दिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया कुछ ठीक से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए और इंडिया ने बहुत अच्छा फायदा उठाया। T20 में देखिए आपको सांस लेने का भी मौका नहीं है, इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन इन लोगों को अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज इन लोगों का कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, ऑलरेडी टफ है। अब यहां तो मारामारी ये हो रही है कि टीम में जगह कितनी बननी है, नए लड़कों के लिए कितनी जगह बननी है, उस हिसाब से कौन कौन आ सकता है। अब अभी तक के दो मैचेस के हिसाब से मुझे लगता है कि रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल तो ऑलमोस्ट मुझे पक्के लगते हैं, लेकिन अगर रिंकू सिंह भी आएगा तो फिर जडेजा का क्या होगा, हार्दिक पांड्या अगर फिट नहीं हुआ तो क्या टीम का कॉम्पोजिशन होगा, कौन और प्लेयर आ सकता है। तिलक वर्मा ने कल बड़ा गड़बड़ काम किया, मतलब एक तो कैच छोड़ा उसने, वो जो बाउंड्री के ऊपर कैच छोड़ा वो तो अब आजकल रेगुलेशन कैच हो गया है। और देखिए इंडिया जब मैच जीत जाती है तो हम लोग ये फिर भूल जाते हैं, अगर वो कल उसी कैच की वजह से, अगर मान लीजिए मैच अगर स्टॉइनिस ने जिता दिया होता ऑस्ट्रेलिया को तो क्या होता, या जैसे जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कैच छोड़ा है सर्कल के ऊपर, ये एग्जैक्टली वैसा ही कैच था जो ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का पकड़ा था फाइनल में। तो इस तरह के कैचेस तो आप कभी छोड़ नहीं सकते, एक बार हाथ में आने के बाद कैच आपसे छूटना नहीं चाहिए। और तिलक वर्मा ने तो बहुत ही बेसिक मिस्टेक की, ये तो अब IPL को होते हुए 15-16 साल हो गए, ये बाउंड्री पे कैच करना बहुत रेगुलेशन कैचेस हो गए हैं। इसमें आप ये कहो कि मैं पीछे बाउंड्री की वजह से चिंता कर रहा था कि मैं देख नहीं पाया कि मैं किधर हूं, ये तो फिर आपको बाउंड्री पे फील्ड करने का कोई हक ही नहीं है। इस तरह के कैचेस नहीं छूटने चाहिए, और छूटा भी और उसके बाद छक्का भी गया। ऑस्ट्रेलिया जब स्टॉइनिस और टिम डेविड खेल रहे थे तब तक भी ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह मैच में था, ड्यू काफी हो रही थी। और मैक्सवेल को तो देखिए, मैक्सवेल को जिस तरह से अक्षर पटेल ने आउट किया है, मैं तो अगर आप लोगों को याद हो जो अफगानिस्तान के साथ मैक्सवेल ने 200 रन की पारी खेली थी वर्ल्ड कप में, मैं उस टाइम भी कह रहा था कि ये अफगानिस्तान के बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, इनके कोचेज ने इनको मैसेज भी नहीं भिजवाया कि जब जो बैट्समैन पैर ही नहीं हिला पा रहा है तो आप उसको ऐसी बॉल करो जिसमें उसको पैर हिलाने के लिए मजबूर करो। कल के मैच में ये आपके अक्षर पटेल ने मैक्सवेल की वही कमी जो है, उसकी कमजोरी है, उसको एक्सपोज किया कि उसको उस तरह की बॉल की कि वो मजबूर हो गया उस तरह से शॉट मारने के लिए, और लेग स्टंप की कितनी बाहर जाके उसने वो शॉट मारा है। मैक्सवेल यही करता है, वो लपाड़े मारने वाले जो लोग हैं ये इंडिया के सामने नहीं चल सकते या किसी भी अच्छी टीम के सामने नहीं चल सकते। वो अफगानिस्तान ने बहुत बुरा मैच मिस किया था वो वाला। तो खैर मैक्सवेल भी आउट हो गया, फिर बाकी स्टॉइनिस और टिम डेविड भी मतलब वो मेरे ख्याल से रनों के प्रेशर में ही आउट हो गए, हालांकि ड्यू इतनी ज्यादा थी कि वो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना चाहिए था। लेकिन शुरू में भी इनके विकेट्स, एक तो स्टीव स्मिथ ने काफी बॉल्स खर्च कर दी, 16 बॉल में उसने 19 रन ही बनाए, और मुझे लगता है कि ये काफी एक्सपेरिमेंटेशन मूड में है, क्योंकि अदरवाइज तो ये जो मैथ्यू वेड है इनका, ये अच्छा बैट्समैन है, आखिरी में आके इसने 23-25 बॉलों में 42 रन बनाए, ये ऊपर भी आ सकता था। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर स्टीव स्मिथ को ये ट्राई नहीं कर रहे हो तो मैथ्यू वेड को ही ऊपर ओपन करने आ जाना चाहिए, लेकिन स्टीव स्मिथ के साथ मुझे लगता पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है। तो कुल मिला के मैच मजेदार हुआ, इंडिया 2-0 से अप हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही खेलती चली जाएगी, ऐसे ही हार जाएगी। अल्टीमेटली देखिए, एक्सपेरिमेंटेशन मोड में हो या वर्ल्ड कप के बाद से इनका कोई उतना ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन अल्टीमेटली टीम तो देश की है और ऑस्ट्रेलियंस अपनी टीम का जो परफॉर्मेंस है उसको काफी प्राइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग अब अगले मैचेस में थोड़ा सा और सीरियसली थोड़ा एफर्ट मारेंगे, तो देखते हैं क्या होता है आगे के मैचेस में। अभी
इंडिया तो 2-0 अप है। इंडिया के पास मुझे नहीं लगता कि चेंज करने के लिए या कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी स्कोप है। मुझे लगता है कि ये एक मैच और जीत के और उसके बाद फिर बाकी प्लेयर्स को किसी को अगर मौका देना है तो देंगे। तो देखते हैं क्या होता है, अगले मैचेस में मिलेंगे अगले मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।